डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ के लेसन साउंड ऑफ म्यूजिक के पहले पार्ट को स्टडी करेंगे और इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, समझेंगे और आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं और उसके बाद याद भी करने हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन कितने वर्ष की थी जब वह संगीत की रॉयल एकेडमी गई? तो इसका आंसर है एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन जब संगीत की रॉयल एकेडमी गई तो वह 17 वर्ष की थी। व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। उसके बहरेपन को सबसे पहले कब नोटिस किया गया, कब उस पर ध्यान दिया गया? व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, और इसकी पुष्टि कब हुई थी? तो इसका आंसर है एवलिन्स डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड। एवलिन के डीफनेस को, अर्थात उसके बहरेपन को पर सबसे पहले ध्यान तब दिया गया जब वह 8 वर्ष की थी। इट वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 11, और इसकी पुष्टि पूरी तरह से तब हुई थी तब वह 11 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। संगीत को जारी रखने में उसकी किसने सहायता की? व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या किया और क्या कहा? तो आंसर है रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। संगीत को जारी रखने में रॉन फोर्ब्स ने उसकी सहायता की थी। He spotted her potential and he began by tuning to large drums. उसने उसकी क्षमता को पहचाना, देखा और फिर उसने दो बड़े ड्रम्स को की धुन निकालना शुरू किया, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग शुरू में। He also asked Evelyn not to listen through ears but to try to sense it some other way. उसने इवलिन से इसको कानों से न सुनने के लिए भी कहा, बल्कि उसको किसी और प्रकार से उसे महसूस करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। उन विभिन्न स्थानों और कारणों का नाम बताइए जिनके लिए एवलिन प्रदर्शन करती है। तो इसका आंसर है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। नियमित संगीत समारोह से अलग एवलिन जेलों में, कैदखानों में और अस्पतालों में भी संगीत समारोह देती है और वह युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को बहुत अधिक प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट है, आंसर द क्वेश्चंस इन टू और थ्री पैराग्राफ्स 100 to 150 वर्ड्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन संगीत कैसे सुनती है? तो इसका आंसर है एवलिन हियर्स म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एवलिन संगीत को अपने शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा सुनती है। रॉन फोर्ब्स ए परक्यूशनिस्ट स्पॉटेड, इसमें स्पॉटेड में डबल टी कर लेंगे, स्पॉटेड हर पोटेंशियल
एक ड्रम वादक या ड्रम या तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को देखा। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन द म्यूजिक थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उसने उसको संगीत को कानों से ना सुनने के लिए बल्कि दूसरे तरीके से उसे महसूस करने के लिए कहा। इवलिन रियलाइज्ड दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इवलिन को एहसास हुआ कि कुछ निश्चित सुरों को वो अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से महसूस कर सकती है। सी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वह ऊंची ध्वनि वाले ड्रम की आवाज़ को कमर से ऊपर वाले हिस्से से और थोड़ी धीमी आवाज़ वाले ड्रम को कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर सकती थी। सी सेज दैट सी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इन टू हर फिंगर टिप्स। वह कहती है कि वो आवाज़ को जो उसकी स्टिक्स से होकर के फिंगर टिप्स तक पहुंचती है उसे महसूस कर सकती है बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के ऊपर झुक करके। सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। वह अपने शरीर में प्रवाहित हो रही आवाज़ की गूंजों को महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर फिंगर अपर लेग्स। एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते उतार देती है जिससे कि संगीत की जो वाइब्रेशंस हैं उसके कंपन हैं उसके पैरों से होते हुए ऊपर उसकी टांगों तक पहुंच सकें जिससे कि वो उन्हें महसूस कर ले। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य ही ये समझ में आए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें अपनी एक्सरसाइज बुक्स में अर्थात कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इनको तैयार भी करेंगे, याद भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।